से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने कराए हैं मगर टॉपिक वाइज हम देखेंगे। सबसे पहले तो झारखंड की तीरंदाज सविता कुमारी के मुरीद हुए पीएम नरेंद्र मोदी और मिला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो हमारी झारखंड की बेटी सविता कुमारी को यहाँ पे पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और कब के लिए मिला है बता दो, 2021 के लिए। अभी जो पुरस्कार की घोषणा हुई है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की, 2021 और 2022 दोनों की हुई है, ठीक है। 2021 में टोटल पुरस्कार घोषित हुए हैं 32, जबकि 2022 में घोषित हुए हैं 29। तो यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे सविता जी हैं वो 2021 के लिए यहाँ पे सम्मानित की गई हैं। इसमें मिलता क्या है तो एक पदक मिलता है, ठीक है, 1 लाख नगद मिलता है और एक प्रमाण पत्र मिलता है। इस बार जो प्रमाण पत्र दिया गया है वो डिजिटल फॉर्म में दिया गया है। तो इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों में 29 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। पुरस्कार विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेते हैं। PMRBP, PM का मतलब हो गया यहाँ प्रधानमंत्री, ठीक है। R का मतलब क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय। B का मतलब बाल, P का मतलब पुरस्कार। के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में भी ये लिखी गई है, आप जाके देख सकते हैं, तो आपको PDF में दिक्कत नहीं होगी। किसे मिलता है यह पुरस्कार? 6 क्षेत्र में असाधारण यहाँ पे क्षमता वाले बच्चों को यह पुरस्कार मिलता है। और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है देख लीजिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत में रहने वाले 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के बच्चों को नवाचार, शैक्षणिक उपलब्धि, खेल, कला, संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी, ये 6 यहाँ पे क्राइटेरिया यदि फुलफिल आप करते हैं तो यहाँ पे 6 क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है। और हमारी जो सविता जी हैं उनको स्पोर्ट में मिला है, ठीक है। पूरी लिस्ट में यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इन्हें स्पोर्ट में ये यहाँ पे अवार्ड मिला है और ये आर्चरी से यहाँ पे संबंधित है, तीरंदाजी से यह संबंधित है। तो सारे सवाल मैं यहाँ पे करवाऊंगा। इंग्लिश में इसे इनोवेशन कहते हैं। ये 6 क्षेत्र जो मैंने कहा यहाँ पे, ये इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, तो PDF पढ़िएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सविता की उपलब्धि क्या है यहाँ पे बता दूं कि रांची के सोनाहातू प्रखंड के टंगटंग निवासी अक्षय प्रसाद गंजू और किरण देवी की सुपुत्री सविता ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ते हुए सविता ने पहली बार 2014 में तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछता है, इसलिए एक एक चीज को बढ़िया से ध्यान में रखिए, ठीक है। 2018-19 में सविता का चयन खेलो इंडिया स्कीम में हुआ। इसी साल मीन्स 2018-19 में नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स आर्चरी चैंपियनशिप 2018-19 में सविता को 4था रैंक मिला। साल 2017-18 में, यहाँ पे मई हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में आयोजित 63 स्कूल नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतने वाली टीम का भी ये सविता हिस्सा थी। 2018-19 में आंध्र प्रदेश में आयोजित मिनी सब जूनियर आर्चरी चैंपियनशिप में सविता ने टीम यहाँ पे गोल्ड जो है मेडल जीता। और बांग्लादेश ढाका में 2018-19 में साउथ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली टीम का सविता हिस्सा रही। तो इतने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि इंग्लिश में भी यहाँ पे दिए गए हैं। आगे हम लोग बात करें तो क्या सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल, फुल फॉर्म ऑफ PMRBP, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको बिल्कुल PMRBP का फुल फॉर्म ही यही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया? तो इस बार 29 दिया गया, ठीक है, 2022 का 29 दिया गया। अगला सवाल यहाँ पे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो ये 24 जनवरी 2022 को अभी मिला है, ठीक है, और 24 जनवरी को यह मिला। और यह आपको कमेंट में बताना है कि 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इसकी हम चर्चा आगे करेंगे, मगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर आंसर करिएगा। अगला सवाल, सविता कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 किस क्षेत्र से सम्मानित किया गया है? देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर कहीं भी नहीं लिखा है। मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे 1, 2, 3, 4, मगर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ही मैंने नहीं दिया है। तो सविता कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? तो खेल से, स्पोर्ट से, ठीक है। उसके बाद सविता कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, वो किस खेल से संबंधित है? तो वो तीरंदाजी से, ठीक है। और यहाँ पे जिला याद रखिएगा, ठीक है, जो जिला की मैंने चर्चा की थी, यहाँ पे जिला बहुत इंपॉर्टेंट, जिला से सवाल पूछा जाएगा। तो रांची के सोनाहातू प्रखंड से है ये, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की ओर चलेंगे। यहाँ पे मैंने लिस्ट दिखा है 2021 की लिस्ट, और यहाँ पे 2021 की लिस्ट है, ठीक है, और ये 2021 की लिस्ट आप देख पा रहे हैं। उसके बाद 2022 की लिस्ट हम लोग देखेंगे, तो ये लिस्ट आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो यहाँ पे आप सविता कुमारी जी का नाम देख पा रहे हैं जो कि झारखंड से हैं और स्पोर्ट्स से हैं, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। बिहार का आप चूंकि पड़ोसी राज्य है तो आप देख सकते हैं ज्योति कुमारी जी को बिहार से 2021 में मिला था, ठीक है। और आगे हम यदि बात करें तो यहाँ पे 2022 का पुरस्कार भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। और बिहार से इस बार काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में है धीरज कुमार जी, ठीक है। तो धीरज कुमार जी को यहाँ पे ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए ये मिला है। और ये बहादुरी उन्होंने एक्चुअली किया था कि इनके भाई को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और उनको जान से छुड़ाने के लिए, मतलब जान से बचाने के लिए इन्होंने जो है काफ़ी मशक्क़त की और अपने भाई को बचा लिया। इसलिए इन धीरज कुमार जी को यहाँ पे बहादुरी के लिए बिहार से क्या मिला, तो ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलेंगे अगला, यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 इज गिवन बाय विच डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट से ये दिया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय। इनकी मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा श्रीमती जुबिन ईरानी जी, ठीक है। तो स्मृति, आपको पता है स्मृति ईरानी इनको शॉर्ट में बोलते हैं, तो ये है स्मृति ईरानी जी। तो आगे हम लोग चलेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आज ये भी हम लोग कवर करेंगे। तो बता दूं कि हमारे हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पे 24 जनवरी 2022 को और साथ में रामेश्वर उरांव जी दोनों मिलकर यहाँ पे शिलान्यास किया गया है 14 राइस मिल्स का, ठीक है। और कौन से जिले हैं, तो यहाँ पे जिलों की हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से जिले हैं। टोटल 10 जिलों में, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने जिलों में किया गया है, तो 10 जिला याद रखिएगा। कौन कौन सा जिला आगे हम लोग देख लेंगे, तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पे, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कितने राइस मिल्स का शिलान्यास किया है, तो सही आंसर हो जाएगा 24। अगला सवाल है, हाल ही में किसानों की समृद्धि के लिए झारखंड के इतिहास में पहली बार एक साथ विभिन्न 14 राइस मिल्स का शिलान्यास किया गया है। यह शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हेमंत सोरेन जी के द्वारा, और साथ में याद रखिएगा रामेश्वर उरांव जी का भी नाम। यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की और। अगला सवाल है, हाल ही में हेमंत सोरेन ने एक साथ 14 चावल मिल का उद्घाटन किया है, यह कब किया गया, तो 24 जनवरी 2022 को, ठीक है। अगला सवाल, हाल ही में हेमंत सोरेन जी द्वारा 14 राइस मिल्स का उद्घाटन किया गया है, ये राइस मिल्स किसकी सहायता से बनाया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट JIADA। और अगले सवाल की ओर चलेंगे। यहाँ पे व्याख्या कर दूं कि JIADA का काम क्या है, ठीक है। एक्चुअली करता क्या है, ये जो है जमीन मुहैया करता है, ठीक है। कहीं पे जमीन लेना है किसी म्यूनसिपलिटी में, कहीं पे भी यदि जमीन दिलवाना है तो ये आसानी से जमीन दिलवाता है और उस जमीन के रेट भी ये तय करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी फुल फॉर्म भी आगे हम लोग देख लेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो JIAD का फुल फॉर्म है झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसके क्या कार्य है, तो मैंने कहा कि सस्तों दरों पर जमीन उपलब्ध कराना, साथ ही जमीन की कीमत बताना, ठीक है। तो चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। और ये इसकी ऑफिस आप देख पा रहे हैं, ठीक है, रांची में है। और JIAD का मुख्यालय कहाँ पे है, तो रांची में, ठीक है। इनमें से किस जिले में हेमंत सोरेन द्वारा 14 राइस मिल्स का शिलान्यास नहीं किया गया है, तो यहाँ पे ये जो जिला है E नंबर, इसका शिलान्यास नहीं किया। बाकी जितने भी आप जिले देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2, 5, 3, 8 और 2, 10, ये 10 जिलों का यहाँ पे उद्घाटन जो है उन्होंने किया है, तो याद रखिएगा। और अगले सवाल की ओर चलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है रिम्स में, ठीक है, हमारे रिम्स जो रांची में है, तो उसमें जो है उद्घाटन किया गया है, जिसमें जेनरिक मेडिसिन जो है काफ़ी कम जो है कीमत पर मिला करेंगी, तो याद रखिएगा। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा, याद रखिएगा। और अगला सवाल यहाँ पे, रिम्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालन का जिम्मा का टेंडर किसे मिला है, तो बिंध्या मेडिकल को यह मिला, याद रखिएगा। और इसमें जो दवाइयाँ मिलेगी कितने % यहाँ पे मिलेगा डिस्काउंट, तो 7% का डिस्काउंट, ठीक है। चलिए अगला सवाल, रांची रिम्स की स्थापना कब हुई है, तो ये हुई है 15 अगस्त 2002 को। हालांकि हम यदि बात करें तो इसकी कहानी बहुत लंबी है। देखिए मूल रूप से 1960 में एक जो है सेटअप किया गया था, ठीक है, उसको अपग्रेड करके 15 अगस्त 2002 को ये राजेंद्र मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ठीक है, ये बनाया गया। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ रिम्स, ठीक है। तो ये राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बरियातू में हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत की गई है। और हाइड्रोपोनिक खेती होती क्या है, देखिए वाटर में न्यूट्रिएंट डाल के मतलब पोषक तत्व डाल के जो है खेती करने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक खेती कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। इसमें फायदा ये होता है कि मिट्टी लगता नहीं है, मिट्टी की कोई जरूरत नहीं है और काफी कम जगह में आप हैंगिंग करके भी टांग करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे काफी अच्छे से बताया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगला सवाल, सौरभ शाह बने जेसीआई के अध्यक्ष, टीम ने ली शपथ। यहाँ पे सौरभ शाह को जेसीआई, तो फुल फॉर्म ऑफ जेसीआई क्या है, तो जूनियर चैंबर इंटरनेशनल, याद रखिएगा ये एक एनजीओ है। ठीक है, क्या काम है इसका, तो जूनियर चैंबर इंटरनेशनल आमतौर पर जेसीआई के रूप में संदर्भित 18 से 40, ठीक है यहाँ पे हमने लिखा है 40 साल पुराने के बीच युवा लोगों के एक गैर लाभ अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, देखिए पुराने का मतलब यहाँ पे पुराना नहीं होगा, यहाँ पे आयु होगा। ठीक है, तो आयु के बीच यहाँ पे लोगों के बीच क्या करता है ये, तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बढ़ावा देता है कि आपस में मिलकर जो है वो एक सोसाइटी में अच्छा काम करें। ठीक है, ये काम इसका है, एनजीओ का काम जो होता है वही काम है इसका। अब यहाँ पे जो सवाल पूछे जाएंगे उसको याद रखिएगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जूनियर चैंबर इंटरनेशनल, तो इट इनकरेजेस यंग पीपल टू बिकम एक्टिव सिटीजन एंड टू पार्टिसिपेट इन एफर्ट्स टुवर्ड्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमने कहा अभी। ठीक है, तो प्रोत्साहित करना काम है इसका। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, वनवासी कल्याण केंद्र जो है झारखंड की नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और इसके बारे में क्या सवाल पूछा जाएगा और ये कितना इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी की पिक्चर के द्वारा। ठीक है, तो ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में आप जगदेव राम उरांव जी के जीवन पर आधारित चित्र पुस्तक जो है ये भेंट की गई थी वन बंधु पत्रिका वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ रहे हैं। अब एक्चुअली क्या, देखिए यहाँ पे न्यूज़ अच्छे से पढ़ लें, तो वनवासी कल्याण केंद्र झारखंड की नई कार्यकारिणी का गठन रविवार को किया गया है। नई समिति अगले 3 वर्षों तक कार्यरत रहेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने वर्षों तक कार्यरत रहेगी, तो 3 वर्षों तक। चुनाव पर्यवेक्षक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने आपके लिए अच्छे से लिख दिया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने ब्लू से लिखा है, आरएसएस के क्षेत्र संचालक देवव्रत पाहन जयप्रकाश देवरालिया को संरक्षक बनाया गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग यदि बात करें तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप देख पा रहे हैं ये इसकी ऑफिस है। ठीक है, तो रांची में इसकी ऑफिस आपको देखने को मिलेगी और इसके कार्य क्या है, तो वनवासी कल्याण केंद्र झारखंड में 1869 से जनजातीय समाज के बीच उनके सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। झारखंड के 23 जिलों में संस्था के रूप सेवा प्रकल्प व्यापक रूप से चल रहे हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए 389 एकल विद्यालय, तो यहाँ पे कई सारे काम ये कर रहे हैं एनजीओ के टाइप से। ठीक है, तो विद्यालय चलाना ये सब काम ये कर रही है। अब की पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, याद रखिएगा इसके लिए, डॉक्टर सुखी उराव को अध्यक्ष बनाया गया है। पवन मंत्री सुदन मुंडा व सुशील सोरेन को उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे पवन को मंत्री बनाया गया है, सुदन मुंडा व सुशील सोरेन को उपाध्यक्ष बनाया गया है। रिजू पच्चक को महामंत्री बनाया गया है और विनीत लाल मंत्री और ओम प्रकाश अग्रवाल कोषाध्यक्ष यहाँ पे बनाए गए हैं, याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो कब मनाया गया है, तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। राष्ट्र बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका सवाल हमने किया था। ठीक है, चलिए और आगे हम बात करें तो झारखंड में और भी कुछ न्यूज़ है। यहाँ पे पेंटिंग में आद्रिजा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और 12वीं की छात्री का यहाँ पे जो छात्रा है आद्रिजा सरकार चित्रकला के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना चुकी है। अपनी उम्र में कहीं अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उसके हिस्से में है और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। और सबसे ऋषिका प्रिया को जो है शौकिया गायन ने बुलंदियों पर पहुंचाया है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस न्यूज़ को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें बताने लायक आप समझ रहे हैं, तो इसको जरूर आप पढ़िएगा अच्छे से, जब मैं PDF इसको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आगे हम लोग बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और शिक्षा, स्वरोजगार और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे अब्दुर रज्जा कंसारी, तो इन्होंने समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है। नाम सिर्फ याद रखिए। और ये क्या थे, तो बिहार की जगन्नाथ मिश्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और जगह याद करिएगा, यहाँ पे रांची जिला के ये है, ओरमांझी के। ठीक है, बस इतना से याद रखिए आप। अब यहाँ पे आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 19, तो पीवी सिंधु ने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीत लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने लखनऊ में, ये आयोजित हुआ था लखनऊ में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है, तो लखनऊ में। और महिला का एकल खिताब इन्होंने जीत लिया है। सिंधु ने साथी भारतीय मालविका बसोर को 21-13, 21-16 से हराकर 2017 के बाद अपना दूसरा सैयद मोदी, तो पहला नहीं है ये दूसरा, इसके पहले 2017 में इन्होंने जीता था, अब 2022 में इन्होंने जीत लिया है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे चलेंगे। अन्य श्रेणियों में विजेता कौन है, तो पुरुष एकल में यहाँ पे मैन वेई चोंग और महिला युगल में अन्ना चीगोंग और तेवो मेई जिंग, याद रखिएगा यहाँ पे। तो पुरुष युगल में ये दोनों नाम और महिला युगल में ये दोनों याद रखिएगा। मिश्रित युगल में ईशान भटनागर और तनिषा यहाँ पे कास्त्रो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग चलेंगे।